दस्तक भारत के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। खबर सुल्तानपुर जिले से, जहां की डीएमसी इंदुमती पिछले माह भर से लॉकडाउन में जिले वासियों के लिए कोरोना योद्धा के रूप में राहत पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। वहीं आज डीएम ने नगर के चौक सागर अस्पताल जीएन रोड पर दुकानदारों ग्राहकों को जागरूक करते हुए कहा कि मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी तो दुकानें बंद करा दी जाएंगी। आपको बता दें चले कि कोरोना की शुरुआत में सुल्तानपुर जिला मंडल में पहला जिला है जहां पर पॉजिटिव केस के मरीजों को रखने के लिए कुडवार में L1 सेंटर बना दिया गया, जो डीएमसी इंदुमती की सक्रियता का परिणाम रहा। कोरोना वॉरियर्स के रूप में डीएमसी इंदुमती हर मुश्किल में, चाहे वो कंटेनमेंट जोन हो या L1 सेंटर हो, सबसे पहले जिले वासियों की मदद में खड़ी रहती है। डीएम ने मजदूरों को रोजगार के लिए करीब 844 गांव में मनरेगा के तहत काम चलवा सभी को समय पर खाते में पैसे का भुगतान करा रही हैं, जिससे आर्थिक संकट से जूझना ना पड़े। जबकि एक महिला होने के साथ ही साथ एक छोटे बच्चे की मां भी हैं, उसकी परवाह किए बिना निरंतर अपने कार्य को अहमियत देते हुए सभी को जागरूक कर रही हैं। डीएम की इस सक्रियता की चर्चा जिले में ही नहीं, शासन तक पहुँच चुकी है। लॉकडाउन के जो चौथा चरण है, अब मई 30 तक चलेगा, 31 तक। अब जो पहले जैसा जो कुछ जनरल चीज़ों में प्रोहिबिशंस है, तो वो एसिटीज लागू है। और अब इस बार जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, जो दुकानें हैं और अन्य जितने भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, तो वो सबको खुलने के थ्रू, मतलब पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिस तरह के व्यवस्था करना है, जिस तरह के सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन को सुनिश्चित करने के लिए, तो लोकल लेवल पे जो व्यवस्था हम कर सकते हैं, तो उसको जिला प्रशासन के ऊपर शासन ने छोड़ दिया गया है। अकॉर्डिंगली हम लोगों ने जो बाज़ारों हैं उसको कैटेगराइज करके हर बाज़ारों को अलग अलग टाइमिंग और अलग अलग दिन पे खोलने के लिए एक कार्य योजना हम लोगों ने बनाया। खास तौर पे शहर में, गांव एरिया में ज़्यादा तरफ प्रतिबंधित नहीं है, अगर वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करा पाएंगे तो फिर वहाँ भी इस तरह के शर्तों को लगाते हुए हम कंडीशंस लगा के कुछ चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो हो रहा है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ खास तौर पे खुला गया है। जनरली जो ये सोशल गैदरिंग है, वो हर तरह के सोशल गैदरिंग है, तो उसको अभी भी प्रोहिबिट कर दिया गया है। अब जो मैरिजेस है उसको अलाउ करेंगे, उसका जो अप्रूवल हमसे, मतलब परमिशन लेकर, पर 20 से ज़्यादा लोगों को अलाउ नहीं करेंगे। सिमिलरली बाकी जो अन्य, जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का जो मौत हुआ है, अब उनका अंतिम संस्कार करना है, तो वो भी पहले से अलाउड है, पर उसमें भी 20 लोगों से ज़्यादा किसी को अलाउ नहीं करेंगे। तो इस तरह के चीज़ें अब चल रहा है। इसमें एक बात आपको समझना है कि अब धीरे धीरे सिचुएशन बदल रहा है, और जैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग की जो पालन हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो सबको देखते हुए एक दो दिन के जो एक्सपीरियंस है उसको देखते हुए, फिर धीरे धीरे अगर कुछ अमेंडमेंट्स मतलब चेंजेस या कोई रिस्ट्रिक्शंस अगर हम लोगों को करना है तो हम लोग करेंगे। बिना तो अगर सब लोगों ने अच्छे ढंग से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तो फिर उस ज़्यादा जो प्रोहिबिशंस है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो अब पूरी तरह से हमारे जो लोग हैं, हमारे जो पब्लिक है, हमारे जो व्यापार के लोग हैं, उद्योग के लोग हैं, इन सब के जो बिहेवियर के आधार पर अब आगे की जो कंडीशंस है वो डिसाइड किया।